लखनऊ के बाद अब हरियाणा के पानीपत में भी एक महिला के द्वारा कार सवारों की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला ने सड़क पर ही कुछ युवकों को न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। खुद पीटने के बाद महिला ने अपने रिश्तेदारों को भी घटनास्थल पर बुलाया और उन्होंने भी बल्ले से युवक की बेदम पिटाई की। कार सवार युवकों पर महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित युवकों का कहना था कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो पुलिस को बुलवाइए, लेकिन महिला और उसके रिश्तेदारों ने उनकी एक नहीं सुनी। देखिए, सेरा गांव की घटना है। वो महिला एक स्कूटी पर जा रही थी और गाड़ी में कुछ लोग जा रहे थे, तो उनकी आपस में वहाँ पर लड़ाई हुई और महिला उनकी मार पिटाई करने लगी उनके साथ। तो इस विषय में एफ आई आर दर्ज करी है। महिला ने भी एक कंप्लेंट करी है कि उसका पीछा कर रही थी। तो दोनों चीज़ें क्रॉस में हुई हैं और ये SHO मतलब इसमें वेरीफाई कर रहे हैं और जिस जिसका भी कसूर होगा दोनों तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो आपने देखा, उसमें क्या नजर आ? हाँ, उसमें महिला पीट रही है, उसके एक आदमी को बेड से मार रही है। तो FIR दर्ज, उसमें कार्रवाई कर रही है।